सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं हूँ हुंडई क्रेटा एसएक्स एग्जीक्यूटिव में और ऐसे मैं कहीं जा रहा था तो मुझे एक फीचर दिखाई दिया एमआईडी पर। यार वो फीचर इतना कमाल का फीचर है तो जैसे मैंने देखा तो मुझे लगा कि यार आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए क्योंकि काफी इन्फॉर्मेटिव फीचर है वो। तो यूजली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोल देते हैं यार मेरी गाड़ी एवरेज नहीं दे रही है और इतने का एवरेज आ रहा है, उतने का एवरेज आ रहा है, तो वो क्यों आ रहा है। वो चीज मैंने आज ना इसमें नोटिस करी। तो बेसिकली क्या है कि हुंडई क्रेटा के अंदर एक फीचर है, तो गाड़ी खुद बताती है कि आपको कितनी स्पीड पे कौन से गियर में गाड़ी रखनी है, मतलब एमआईडी पे वो ऑप्शन दिखाई देता है। तो मैं ना आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और आपको खुद पता लग जाएगा कि भाई आप अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे ना एमआईडी पर और उसके अकॉर्डिंग अगर आप गियर चेंज करोगे तो डेफिनेटली आपका एवरेज काफी अच्छा आएगा जो मैंने आज देखा। तो एक बार क्या करते हैं, गाड़ी को थोड़ा साइड लगाते हैं और फर्स्ट गियर से स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे इसमें वो ऑप्शन दिखाता है। तो ये जो आप एमआईडी देख रहे हो यहाँ पर बेसिकली बताएगा। तो गाड़ी को लगाते हैं साइड, तो भाई चलते हैं और आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकल करके। तो अभी पहले गियर में गाड़ी है, ये आप देख सकते हो जैसे पहले गियर में है, तो मैं दूसरे में इसको चेंज कर देता हूँ। अब जैसे दूसरे में गाड़ी है, अब देखना ये मेरे को थर्ड गियर में बोलेगा चेंज करने के लिए। आप देख सकते हो स्पीड कितनी है और ये मेरे को बोल रहा है कि थर्ड गियर में गाड़ी चेंज करनी है। तो जैसे मैं थर्ड गियर में डाल दूंगा, थर्ड गियर में मैंने डाल दी, अब जैसी स्पीड बढ़ेगी ऑटोमेटिकली मुझे ये बताएगा कि गाड़ी जो हमें फोर्थ गियर में हमने चेंज करनी है। तो आप देख सकते हैं स्पीड है 45 के आसपास और ये बोल रहा है कि हमें फोर्थ गियर में चेंज करनी है। अब हम फोर्थ गियर में चेंज कर देते हैं इसको, फिर हम रेस बढ़ाते हैं, उसके बाद फिर ये हमें फिफ्थ गियर में बोलेगा। देख सकते हो आप, अब हमारी जो लिमिट जो स्पीड है वो अप्रोक्स है 60 के आसपास और हमसे ये बोल रहा है कि हमें गाड़ी फिफ्थ गियर में चेंज करनी है। अब हम फिफ्थ गियर में चेंज कर देते हैं, अब ये जैसी स्पीड बढ़ेगी फिर हमसे बोलेगा कि सिक्स्थ गियर में चेंज करनी है। हम स्पीड बढ़ाते हैं और देख सकते हो सिक्स्थ गियर में इसने बोल दिए, अब हम इसको सिक्स्थ गियर में चेंज कर देते हैं। तो यार बेसिकली ये फीचर जो है ना, ये फीचर है उसके लिए कि अगर आपको अच्छी एवरेज चाहिए, अच्छी माइलेज चाहिए, तो यहाँ आप इसको फॉलो करके एक अच्छी एवरेज गाड़ी को निकाल सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो मैंने ये चीज फॉलो करी है और एवरेज मुझे आई है 13.3 विद एसी। लास्ट टाइम मैं 150 किलोमीटर मैंने इस गाड़ी से चलाया था लेकिन मैंने ये चीज फॉलो नहीं करी थी, मैं रैंडमली स्पीड के अकॉर्डिंग गियर चेंज कर रहा था, लेकिन वहां पर मुझे जो एवरेज आई थी वो एवरेज आई थी 10 point something। तो ये चीज मैंने आज खुद प्रैक्टिकली देखी कि यार मतलब ये चीज अगर फॉलो हम करेंगे ना तो हमारी एवरेज अच्छी खासी आ जाएगी। अगर हम एसी नहीं चलाएंगे तो ये 15 से ऊपर भी हमारी एवरेज चली जाएगी और काफी अच्छी बात है। अब यार लोग बोलेंगे कि यार उनको ये चीज की हैबिट नहीं होगी, जैसे इसने दिखाया कि 40 की स्पीड पे ये हमें फोर्थ गियर में चेंज करने के लिए बोल रहा था, लेकिन यूजली हम क्या करते हैं कि जैसे गाड़ी चलाते हैं 60 और 70 की स्पीड के बाद ही हम लोग फोर्थ गियर में चेंज करते हैं। तो यार ये चीज तो आपको थोड़ा सा अलग करनी पड़ेगी तभी आपको एक अच्छी एवरेज मिल सकती है। अगर आपको ऐसे ही गाड़ी चलानी है तो आपको फिर एवरेज से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये हुंडई क्रेटा के अंदर जो फीचर है ये ऑटोमेशन के थ्रू चलता है। तो जैसी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है और ऑटोमेटिकली ये आपको बता देता है कि आपको गियर चेंज करना है, कि जिसके हेल्प से आपको अच्छी एवरेज देखने के लिए मिल जाती है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा, काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस और व्लॉग्स आते रहते हैं वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।